अब हम यहाँ पर देखें कि नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। तो नेक्स्ट यहाँ पे विपत्र का संग्रहण हो सकता है, यानी कि जो लेखक है जिसके पास विपत्र है वो व्यक्ति इस विपत्र को संग्रह हेतु बैंक भेजे। कई बार ऐसा होता है कि विपत्र पे जो राशि होती है उसके कलेक्शन में कुछ प्रॉब्लम आती है, उनसे बचने के लिए विपत्र का लेखक जो होता है वो विपत्र को बैंक को दे देता है और बैंक उसमें उस विपत्र का कलेक्शन कर लेता है और फिर जो लेखक होता है, ड्रॉवर जो होता है उसकी बुक में वो ट्रांसफ़र कर देता है। हालांकि बैंक इस संबंध में अपने कुछ चार्जेस भी लगाता है, उसके वो भी हमको यहाँ पर देखना होता है। फिलहाल यहाँ पर दो कंडीशन बनती है, एक तो जब विपत्र का लेखक विपत्र को बैंक में संग्रह हेतु भेजता है और दूसरा जब संग्रह हो जाता है। वास्तव में इसमें प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है, टाइम थोड़ा सा लगता है, ऐसा नहीं होता है कि जैसे हम चेक भेजे और वो जमा हो जाए। यहाँ पर जब विपत्र भेजा जाता है और जब विपत्र वास्तव में संग्रहित होता है उसमें थोड़ा सा गैप होता है, इसलिए यहाँ पर हम एंट्री जो होती है वो अलग अलग करते हैं। विपत्र के संग्रह हेतु भेजने की एंट्री अलग होती है और जब बैंक उस विपत्र को संग्रहित करके जमा कर लेता है तो उस कंडीशन में वो लेखक को सूचना देता है कि आपने जो विपत्र भेजा था वो जमा हो गया, तो फिर लेखक अपने बुक में दूसरी एंट्री करता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी दो एंट्री यहाँ पर की जाती है। एक तो सबसे पहली एंट्री वो होती है जब विपत्र केवल संग्रह के लिए बैंक भेजा जाता है। इस कंडीशन में लेखक अपनी पुस्तक में एंट्री करता है विपत्र संग्रहार्थ खाता डेबिट प्राप्य विपत्र खाता से बैंक फॉर कलेक्शन बिल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, केवल संग्रह के लिए भेजा गया है तो बाद में जब बैंक से उसको सूचना प्राप्त होती है कि आपने जो बिल भेजा था वो स्वीकृत हो गया है, संग्रहित हो गया है, जमा हो गया है आपके अकाउंट में, इस कंडीशन में वो अपने अकाउंट में एंट्री करता है बैंक खाता डेबिट विपत्र संग्रहार्थ खाता से, यानी बैंक अकाउंट डेबिट बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल। आइए इससे संबंधित कुछ क्रियात्मक प्रश्नों को हल करें। राशि का एक विपत्र लिखा जिसे विकास ने भुगतान करना स्वीकार किया, देय तिथि पर विपत्र का भुगतान हो गया। निम्न परिस्थितियों में राजेश और विकास की पुस्तकों में क्या प्रविष्टि की जाएगी? पहला, राजेश देय तिथि तक विपत्र को अपने पास रखकर उसका भुगतान पाता है। दूसरा, यदि राजेश उसे 1960 रुपए में भुनवा लेता है। तीसरा, यदि राजेश अपने ऋणदाता महेश को बेचैन कर देता है। चौथा, यदि राजेश विपत्र को संग्रह के लिए बैंक भेज देता है। इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि एक विपत्र लिखा गया है, राजेश ने लिखा है विकास पर। इसका अर्थ ये है कि राजेश जो है वो विक्रेता था, यानी कि वो लेखक यानी ड्रॉवर है, और विकास जो है, क्योंकि विकास पर विपत्र लिखा गया है, वो स्वीकृति देगा उस पर, यानी कि हमको ये समझ लेना है कि विकास जो है वो स्वीकर्ता यानी कि एक्सेप्टर है। और इसको ध्यान में रखते हुए फिर हमको दोनों की पुस्तक में प्रविष्टि करनी है। कंडीशन यहाँ पर दी गई है चार कंडीशन, चारों कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हमको जनरल एंट्री यहाँ पर पास करनी है। तो सबसे पहले हम राजेश यानी कि जो ड्रॉवर है, लेखक है, उसकी पुस्तक में हम एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि सबसे पहले जो विपत्र है स्वीकृत होकर प्राप्त होगा उसकी एंट्री हमको यहाँ करनी होगी, तो राजेश की पुस्तक यानी ड्रॉवर की बुक में फर्स्ट एंट्री हो जाएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू विकास बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन बाय विकास ऑन बिल्स ऑफ एक्सचेंज 2000 से इसकी एंट्री कर लेंगे हम, 2000 का बिल था। उसके बाद जबकि पेमेंट इस पे रिसीव होगा तो सेकेंड हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि कंडीशंस बता दी गई हैं कि फर्स्ट जबकि वो पूरा का पूरा पैसा अगर वो रिसीव करता है तो इस कंडीशन में एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और नरेशन हम लिखेंगे बीइंग पेमेंट रिसीव ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज और 2000 से इसकी एंट्री करेंगे। सेकेंड एक कंडीशन बताई गई है जबकि उसको डिस्काउंट पे वो भुनाता है, हालांकि डिस्काउंट यहाँ पर क्वेश्चन में स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन ये कहा गया है कि 1960 रुपए फाइनल पेमेंट में वो लेता है, तो कहीं ना कहीं इसका अर्थ ये होगा कि 2000 का वो बिल था और 1960 पे वो ले रहा है पेमेंट, यानी कि कैलकुलेट अगर हम करके देखें तो 40 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है, और इस 40 रुपीज को हम डिस्काउंट मान के ही इसकी एंट्री करेंगे, यानी कि सेकेंड कंडीशन में ये मान लेंगे कि उसने विपत्र को बट्टे पर भुना लिया। तो इस कंडीशन में जो हमारी एंट्री नॉर्मल होती है वही एंट्री हम यहाँ पर करेंगे।
तो हमारी थर्ड एंट्री हो जाएगी डिस्काउंट अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बीइंग पेमेंट रिसीव और बिल ऑन डिस्काउंट। तो डिस्काउंट क्योंकि हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया डिफरेंस के बेस पे 40 रुपीज को हम डिस्काउंट में लिखेंगे, बैंक अकाउंट के डेबिट में हम 1960 लिखेंगे और टोटल बिल्स रिसीवेबल की जो अमाउंट है टू बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट में हम 2000 लिखेंगे। उसके बाद हम कंडीशन देख रहे हैं कि अगर वो महेश को इस बिल को इंड्रोस कर देता है बेचान कर देता है, तो क्योंकि महेश के पास वो बिल चला जाएगा तो नॉर्मल जो हमने वीडियो में देखा बेचान की जो एंट्री होती है वही एंट्री यहाँ पर की जाएगी, यानी कि महेश डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बीइंग बिल इंड्रोस टू महेश और 2000 से इसकी एंट्री कर लेंगे हम। नेक्स्ट फिफ्थ कंडीशन में बताया गया है कि अगर इस विपत्र को बैंक वो संग्रह के लिए भेज देता है, तो नॉर्मल सी एंट्री यहाँ पर होगी अगर वो बैंक में कलेक्शन के लिए भेज देता है, तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाती है बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ द बिल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 2000। और सेकंड कंडीशन में भी हम इसकी एंट्री कर देंगे जबकि वो बिल स्वीकृत हो जाता है संग्रहित हो जाता है बैंक में, तो इस कंडीशन में एंट्री हम करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ द बिल अकाउंट और नरेशन यहाँ पर हम लिखेंगे बीइंग इंफॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन रिसीव 2000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। अब अगर हमको विकास जो कि एक्सेप्टर है उसकी बुक में अगर एंट्री करनी हो तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दो ही एंट्री हो पाती है, एक तो जबकि बिल स्वीकृत करता है वो राजेश को देता है बिल स्वीकृत करके, तो यहाँ पर जनरल एंट्री होती है राजेश डेबिट टू बिल्स पेबल बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज 2000 से इसकी एंट्री होगी, और जब पेमेंट होती है तो वो एंट्री करेगा अपनी पेमेंट की बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। बाकी की जो एंट्री है या तो वो एनरोल हो रही है इसलिए वो जिसको एनरोल हो रही है उसके लिए वो एंट्री हो जाएगी, और एनरोल कर कौन रहा है तो वो राजेश कर रहा है, तो यहाँ पर फिर एक्सेप्टर यानी कि विकास की बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। रिसीव भी अगर होता है तो उसका भी विकास से यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, तो कलेक्शन भी है तो वो डायरेक्ट बैंक भेज रहा है, तो ओवरऑल देखा जाए तो विकास की बुक में यानी एक्सेप्टर की बुक में केवल दो ही एंट्री यहाँ पर हो पाएगी। ए ने बी का 3 माह का 4000 रुपए का बिल स्वीकार किया, बी ने इसे संग्रह के लिए बैंक भेज दिया, डे तिथि पर बिल का भुगतान हो गया, ए और बी के पुस्तकों में जनरल के आवश्यक लेखी कीजिए। यहां पर क्योंकि हमको बहुत सावधानी से इस प्रश्न को पढ़ना है, ए ने बी का 3 माह का एक बिल स्वीकार किया, यानी कि ए जो है वो स्वीकर्ता है और बी जो है वो ड्रॉवर है लेखक है, तो सबसे पहले हम बी की पुस्तक में एंट्री कर लेंगे क्योंकि बी बिल लिख रहा है लेखक है ड्रॉवर है, उसकी पुस्तक में हम एंट्री करेंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन बाय ए ऑन बिल्स ऑफ एक्सचेंज 4000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। सेकेंड जबकि कलेक्शन के लिए वो बैंक भेजता है, हमने वीडियो में देखा कि जब कलेक्शन के लिए बैंक भेज दिया जाता है तो किस प्रकार से ड्रॉवर जो होता है वो अपनी अकाउंट में एंट्री करता है, तो ये एंट्री हो जाती है बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बीइंग बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बैंक 4000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। और जब ये बिल कलेक्ट हो जाता है तो फिर हम इसकी एक एंट्री यहाँ पर करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल अकाउंट 4000 से, नरेशन यहाँ पर हम लिख सकते हैं बीइंग पेमेंट ऑफ बिल कलेक्टेड बाय बैंक ड्यू डेट। तो ड्रॉवर की बुक में हमने ये एंट्री कर ली, अब एक्सेप्टर की बुक में हम इसकी एंट्री करेंगे, ए जो कि स्वीकृति दे रहा है स्वीकर्ता है एक्सेप्टर है, तो उसकी बुक में हम सबसे फर्स्ट एंट्री जो करते हैं स्वीकृति देने की वो हो जाती है बीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन टू बी 4000 से, और बिल जब पेमेंट की जब एंट्री मेड होती है तो यहाँ पर हम एंट्री करते हैं बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग बिल पेड ऑन ड्यू डेट और 4000 से हम इसकी एंट्री करके क्लोज कर देंगे। 1 जनवरी 2017 को अशोक ने राजेश को 8000 रुपए का माल बेचा और इसी दिन अशोक ने राजेश पर 3 माह की अवधि का एक विपत्र लिखा जिसे राजेश ने स्वीकृत करके अशोक को लौटा दिया। अशोक ने 1 अप्रैल 2017 को इसे संग्रह हेतु बैंक को भेज दिया। बैंक ने विपत्र संग्रह होने की सूचना दी। इन लेन देनों को अशोक एवं राजेश के जनरल में लिखिए।
यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो दो पक्षकार हैं अशोक और राजेश, इनमें क्योंकि अशोक ने विपत्र क्योंकि अशोक ने माल बेचा है यानी कि वो विक्रेता है, और जो विक्रेता होता है वही विपत्र लिखता है यानी कि अशोक जो है वो विपत्र का लेखक यानी कि ड्रॉवर है। दूसरे पक्ष में है राजेश जो कि विपत्र पर स्वीकृति देगा माल, क्योंकि वो खरीद रहा है, विपत्र का स्वीकर्ता है यानी कि एक्सेप्टर है। तो इस इन दोनों के बुक में हमको जनरल एंट्री करनी है। सबसे पहले हम अशोक यानी कि ड्रॉवर की बुक में एंट्री करेंगे, तो फर्स्ट एंट्री हमारी हो जाएगी 8,000 रुपए का जो उसने माल बेचा है उसकी। तो यहाँ पर फर्स्ट एंट्री हो जाएगी राजेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट टू राजेश, 8,000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। और उसके बाद जो है इसने बिल पर स्वीकृति प्राप्त कर ली है यानी कि राजेश जो है बिल पर स्वीकृति देता है और वापस कर देता है वो अशोक को, तो इस कंडीशन में एंट्री हो जाएगी अशोक यानी कि ड्रॉवर की बुक में बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू राजेश, एक्सेप्टेंस रिसीव ऑन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, 8,000 से इसकी एंट्री हम करेंगे। और इसके बाद जब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि अशोक ने 1 अप्रैल 2017 को इसे संग्रह हेतु बैंक भेज दिया, तो जैसे हमने वीडियो में देखा कि इस टॉपिक में हमने जाना था कि जब ये जो बिल होता है ये अगर कलेक्शन के लिए बैंक भेज दिया जाता है तो यहाँ पर हम दो एंट्री करते हैं, जब बिल को भेजते हैं और जब वो कलेक्ट होता है। तो भेजने के लिए हम यहाँ पर एंट्री करते हैं बिल ऑफ कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, सेंड बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन, तो 8,000 से हम इसकी एंट्री यहाँ पर करेंगे। और तब जबकि सूचना मिल जाएगी कि वो बिल कलेक्ट हो गया है, जैसे कि प्रश्न में दिया गया है कि बैंक ने विपत्र संग्रहित होने की सूचना दे दी, तो इस कंडीशन में हमारी एंट्री हो जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट बिल कलेक्टेड बैंक, 8,000 से हम इसकी एंट्री कर देंगे। उसके बाद हम देख रहे हैं कि राजेश जो है एक्सेप्टर जो है इसकी बुक में क्या एंट्री होती है, तो क्योंकि इसने गुड्स परचेस किया है, किससे परचेस किया है अशोक से, तो ये अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में फर्स्ट एंट्री करेगा परचेस अकाउंट डेबिट टू अशोक बीइंग गुड्स परचेस फ्रॉम अशोक ऑन क्रेडिट, 8,000 से इसकी एंट्री हो जाएगी। अब क्योंकि ये बिल पे स्वीकृति देगा तो स्वीकृति देने की एंट्री ये करेगा अशोक डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन टू अशोक, 8,000 से एंट्री करेगा। और जब ये ड्यू डेट पे पेमेंट कर देगा तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 8,000। 1 जनवरी 2006 को अशोक ने राजेश को 2,000 रुपए का माल बेचा और इसी दिन अशोक ने राजेश पर 3 माह की अवधि का एक विपत्र लिखा जिसे राजेश ने स्वीकृत करके अशोक को लौटा दिया। अशोक ने 1 अप्रैल 2007 को इसे संग्रह हेतु बैंक भेज दिया, बैंक ने विपत्र संग्रह होने की सूचना दी। इन लेन देनों को अशोक के जनरल में लिखिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो पक्षकार हैं अशोक और राजेश। अशोक ने क्योंकि माल बेचा है इसलिए वो विपत्र का लेखक है, क्योंकि विक्रेता जो होता है वही विपत्र लिखता है। और किसको माल बेचा है उसने, राजेश को, तो वो राजेश जो है क्रेता है यानी कि विपत्र पर वो स्वीकृति देगा यानी राजेश जो है वो स्वीकर्ता है। तो फर्स्ट एंट्री जब हम फिलहाल हम लेखक के पुस्तक में एंट्री करेंगे, तो इस कंडीशन में फर्स्ट एंट्री जबकि वो माल बेचेगा राजेश को तो फर्स्ट एंट्री करेगा राजेश डेबिट टू सेल बिंग सेल ऑफ गुड्स टू राजेश। सेकेंड कंडीशन में वो इस बेचे गए माल के लिए विपत्र लिखेगा राजेश पर और स्वीकृत करके जब इस विपत्र को प्राप्त करेगा तो राजेश तो अशोक यानी कि लेखक अपनी बुक में एंट्री करेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू राजेश, क्योंकि इस कंडीशन में हमने वीडियो में देखा कि जब कोई विपत्र का लेखक विपत्र पर स्वीकृति प्राप्त करके वापस लेता है तो एंट्री करता है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्सेप्टर्स अकाउंट, तो एक्सेप्टर क्योंकि यहाँ पे राजेश है इसलिए हम एंट्री करेंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू राजेश अकाउंट। नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 3 माह की अवधि का ये जो विपत्र था राजेश ने स्वीकृत करके अशोक को लौटाया था, अशोक ने इसे 1 अप्रैल 2007 को संग्रह के लिए बैंक भेज दिया। तो जब वो संग्रह के लिए बैंक भेजेगा तो जैसे कि हमने वीडियो में देखा
कि इस कंडीशन में कौन सी एंट्री होगी, बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, संग्रहार्थ बिल खाता डेबिट प्राप्य विपत्र खाता से, तो यहां हम एंट्री करेंगे बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और नरेशन यहां पर हम लिखेंगे बीइंग बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बैंक, अमाउंट हम यहां पर बिल की ही लिखेंगे 2000 ही लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं कि नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, बैंक ने विपत्र के संग्रहित होने की सूचना दी। हमने वीडियो में देखा था कि अलग अलग हमको प्रविष्टि करनी होती है, जिस दिन हम भेजते हैं संग्रह के लिए विपत्र उसके कुछ समय बाद ही वो संग्रहित होता है, तो जब हम केवल संग्रह के लिए भेजते हैं तो संग्रह हेतु भेजे गए विपत्र की हम अलग प्रविष्टि करते हैं, और विपत्र के संग्रहित हो जाने की प्रविष्टि हम तभी कर सकते हैं जबकि बैंक हमको ऐसी सूचना दे दे कि आपके द्वारा भेजा गया विपत्र संग्रहित हो गया। तो क्योंकि इस प्रश्न में हम लास्ट में देख रहे हैं कि हमने जो विपत्र भेजा था वो संग्रहित हो गया है, तो संग्रहित होने यानी कलेक्शन हो जाने की एंट्री हम लास्ट यहाँ पर करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल बीइंग पेमेंट ऑफ बिल कलेक्टेड बाय बैंक। तो ये तो रही लेखक की पुस्तक में प्रविष्टियां, आइए देखते हैं ड्रॉवी स्वीकर्ता यानी राजेश की बुक में कौन सी एंट्री होगी। तो फर्स्ट एंट्री राजेश, क्योंकि क्रेता है माल खरीदता है तो उसकी बुक में एंट्री होती है परचेस अकाउंट डेबिट टू अशोक। हमने देखा कि जब वो माल खरीदेगा तो एंट्री करेगा क्रय खाता डेबिट, और जिससे वो माल खरीदेगा उसको क्रेडिट करेगा। सेकेंड, जबकि विपत्र पर स्वीकृति देगा तो वो अपनी बुक में एंट्री करता है ड्रॉवर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। ड्रॉवर कौन है यहाँ पर, अशोक है, तो हम एंट्री करेंगे अशोक डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 2000 से ही हम एंट्री करेंगे। और फिर जब इस बिल पे पेमेंट होना होगा तो वो पेमेंट की नॉर्मल एंट्री करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 1 मई 2006 को रामलाल ने मोहनलाल को 2500 रुपए का माल बेचा तथा उसी दिन 3 माह की अवधि का एक बिल मोहनलाल पर लिखा जिसकी मोहनलाल ने स्वीकृति दे दी और रामलाल को लौटा दिया। रामलाल ने देय तिथि तक बिल अपने पास रखा तथा अपने बैंक को संग्रहार्थ भेज दिया। बैंक ने रामलाल को सूचित किया कि बिल का विधिवत भुगतान प्राप्त हो गया है। दोनों पक्षकारों के बहियों में जनरल के आवश्यक लेखे कीजिए। यहां हम देख रहे हैं कि दो पक्षकार हैं रामलाल और मोहनलाल। रामलाल ने मोहनलाल को माल बेचा, यानी कि रामलाल जो है वो विक्रेता है और मोहनलाल जो है वो क्रेता है। रामलाल जब मोहनलाल को माल बेचेगा यानी कि वो मोहनलाल पे विपत्र लिखेगा, विक्रेता जो होता है वही लेखक होता है। तो यहाँ पे लेखक है रामलाल और स्वीकृत कौन करेगा विपत्र पर, स्वीकृति कौन देगा, मोहनलाल। तो मोहनलाल कौन है, विपत्र का स्वीकर्ता है। तो अब सबसे पहले हम रामलाल यानी कि लेखक की पुस्तकों में ड्रॉवर की बुक में हम एंट्री करेंगे स्टेप बाय स्टेप जैसे कि प्रश्न में दिया गया है। फर्स्ट स्टेप में हम देख रहे हैं कि रामलाल ने मोहनलाल को माल बेचा, तो यहाँ पर रामलाल अपनी बुक में एंट्री करेगा मोहनलाल डेबिट टू सेल बिंग गुड सोल्ड टू मोहनलाल और 2500 से एंट्री करेगा। सेकेंड पॉइंट, जबकि जो स्वीकर्ता है मोहनलाल है वो इस बिल पर स्वीकृति देता है और वापस रामलाल को कर देता है। इस कंडीशन में रामलाल यानी कि लेखक जो है जब विपत्र स्वीकृत करके वापस प्राप्त करता है तो वो अपनी एंट्री करेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू राजेश। जब हम विपत्र का लेखक जब स्वीकृति प्राप्त करता है तो वो एंट्री करता है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्सेप्टर्स पर्सनल अकाउंट, और एक्सेप्टर कौन है यहाँ पर, राजेश। तो वो एंट्री करेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मोहनलाल 2500 से ही हम एंट्री करेंगे। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो बिल था रामलाल के पास इसे इसने बैंक में संग्रह के लिए भेज दिया। तो जब ये बिल लेखक यानी कि रामलाल संग्रह के लिए बैंक भेजेगा तो इस कंडीशन में ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करेगा बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। हमने देखा कि विपत्र जब संग्रह है तो बैंक भेजा जाता है, सिर्फ भेजा गया है संग्रहित नहीं हुआ है, तो सिर्फ भेजने की हम एंट्री करते हैं यानी संग्रहार्थ बिल भेजा बस इसकी हम प्रविष्टि करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर एंट्री की बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और नरेशन यहाँ पर हम लिखेंगे बीइंग बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बैंक।
नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ देख रहे हैं, बैंक ने रामलाल को सूचित किया कि बिल का विधिवत भुगतान प्राप्त हो गया। अब जबकि इस बिल पर भुगतान प्राप्त हो जाता है, यानी कि ये जो बिल है ये बैंक में स्वीकृत हो जाता है, जमा हो जाता है, संग्रहित हो जाता है, तो रामलाल यानी कि लेखक अपनी बुक में एंट्री करेगा बैंक डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल बीइंग पेमेंट ऑफ बिल कलेक्टेड बाय बैंक। अब सेकंड पक्षकार यानी कि मोहन ड्रॉवी जो है, स्वीकर्ता जो है, उसके बुक में हम एंट्री करेंगे। तो फर्स्ट एंट्री हम करेंगे जबकि वो रामलाल से माल खरीदता है, यानी कि परचेस अकाउंट डेबिट टू रामलाल। सेकंड, जबकि वो विपत्र पर स्वीकृति देता है तो अपनी बुक में एंट्री करता है ड्रॉवर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, यानी लेखक का व्यक्तिगत खाता डेबिट देय विपत्र खाता से। तो लेखक है यहाँ पर रामलाल, यानी यहाँ पर ये एंट्री करेगा रामलाल डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। और उसके आगे जबकि वो विपत्र पर पैसे का भुगतान करता है, फाइनली घूम फिर के चाहे वो बैंक में संग्रह है तो भेजा गया हो, किसी को बेचान कर दिया गया हो, जो भी कंडीशन हो, लेकिन पेमेंट तो स्वीकर्ता को करनी है, तो पेमेंट की वो नॉर्मल एंट्री अपनी करता है लास्ट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ए ने बी का 2 माह का 500 रुपए का बिल स्वीकार किया। बी ने इसे अपने बैंक के पास संग्रह करने के लिए भेजा। देय तिथि पर बिल का भुगतान हो गया। ए और बी के पुस्तकों में जनरल के आवश्यक लेखे कीजिए। यहां हम देख रहे हैं कि दो पक्षकार हैं ए और बी। ए ने विपत्र को स्वीकार किया है, यानी कि ए स्वीकर्ता है। बी का बिल था, यानी कि बी लिखा होगा बिल को, बिल लेखक है। तो यहाँ पर ए जो है वो स्वीकर्ता और बी जो है वो लेखक है, यानी लेखक की पुस्तक में जो फर्स्ट एंट्री हम करेंगे वो बिल के स्वीकृत होने की करेंगे। तो फर्स्ट एंट्री यहाँ पर हो जाएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, 500 से हम इसकी एंट्री करेंगे। सेकेंड, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बी ने इसे अपने बैंक के पास संग्रह के लिए भेज दिया, तो यहाँ पर लेखक की पुस्तक में सेकेंड एंट्री हो जाएगी बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बीइंग बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बैंक। और यहाँ पर यह भी दिया है कि देय तिथि पर बिल का भुगतान हो गया, तो बिल यानी कि संग्रहित हो गया ये बिल, तो यहाँ पर हम विपत्र के कलेक्शन हो जाने की भी एंट्री कर देंगे लेखक की पुस्तक में बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल Being payment of bill collected by bank. Second, जो पार्टी है, second पक्षकार है स्वीकर्ता। स्वीकर्ता की पुस्तक में भी हम यहाँ पर एंट्री कर देंगे क्योंकि ये बिल को स्वीकृत कर रहा है, ए जो है वो बिल को स्वीकृत कर रहा है, तो वो अपनी बुक में एंट्री करेगा बी डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, 500 से एंट्री करेगा। और जब क्योंकि विपत्र बैंक भेजा गया लेखक के द्वारा और संग्रहित हो गया, लेकिन फाइनली पेमेंट जो है वो स्वीकर्ता के द्वारा ही की जाएगी, तो स्वीकर्ता अपने बुक में पेमेंट के लिए एंट्री करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। राहुल ने रोहित से 5000 रुपए का माल 1 जनवरी 2008 को क्रय किया। राहुल ने 4 जनवरी को रोहित द्वारा 3 माह के लिए लिखे गए विपत्र पर स्वीकृति दी। रोहित की पुस्तकों में निम्नलिखित दशाओं में क्या जनरल प्रविष्टि की जाएंगी? पहला, यदि वह भुगतान तिथि तक विपत्र अपने पास रखता है और उसका भुगतान प्राप्त करता है। दूसरा, यदि वह उस विपत्र को बैंक से 5% वार्षिक बट्टे पर भुना लेता है और राहुल द्वारा भुगतान तिथि पर विपत्र का भुगतान कर दिया जाता है। तीसरा, यदि वह उस विपत्र को अपने लेनदार श्री विनोद कुमार को बेचान कर देता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो पक्षकार हैं राहुल और रोहित। राहुल ने रोहित से 5000 रुपए का माल खरीदा है, यानी कि रोहित जो है वो विक्रेता है, यानी कि लेखक है। और यहाँ हमको क्योंकि सिर्फ रोहित की पुस्तकों में ही पंजी प्रविष्टि करनी है, यानी केवल हमको लेखक के बुक में ही एंट्री करनी है। तो फर्स्ट पॉइंट, जबकि वो राहुल को माल बेचेगा तो अपने बुक में वो एंट्री करेगा राहुल डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड सोल्ड टू राहुल और 5000 से इसकी एंट्री करेगा। सेकंड, जबकि वो राहुल से पे विपत्र लिखकर उस पर स्वीकृति प्राप्त कर लेता है तो वो अपनी बुक में एंट्री करेगा रोहित बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू राहुल
क्योंकि हम यहाँ पर एंट्री करते हैं बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। तो यहाँ सबसे पहले हम डिस्काउंट को कैलकुलेट कर लेंगे जो कि 5000 पे 5% 3 मंथ के लिए होगा और ये हो जाएगा 62.5। तो क्योंकि 5000 का ये बिल था 62.5 इस पे डिस्काउंट हो गया यानी कि इसकी जो एग्जैक्ट अमाउंट होगी जो रिसीव होनी होगी वो है 4937.5। इसकी एंट्री जो है लेखक यानी कि रोहित की बुक में हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट बिल्स डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट और नरेशन हम लिखेंगे बीइंग बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। बैंक अकाउंट के डेबिट में हम लिखेंगे 4937.5, बिल डिस्काउंट अकाउंट के डेबिट में हम लिखेंगे 62.5 और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट के क्रेडिट में हम लिखेंगे टोटल 5000। हालांकि यहाँ पर हमको राहुल यानी कि स्वीकर्ता के बुक में कोई प्रविष्टि नहीं करनी है लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कि अगर करनी होती तो भी ये जो भुनाने की एंट्री होती है उसका स्वीकर्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो हम स्वीकर्ता के बुक में इसकी एंट्री नहीं करते हैं। अब थर्ड कंडीशन, जबकि ये विपत्र जो है वो विनोद कुमार को बेचान कर देता है। कौन बेचान करता है? रोहित, यानी रोहित जो है वो बेचान करता एनरोजर है और किसको बेचान किया जाता है? विनोद कुमार को, यानी विनोद कुमार जो है वो इंड्रोजी यानी कि बेचान पात्र है। तो हालांकि ये एंट्री बेचान पात्र की बुक में भी होनी चाहिए थी लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर बेचान करता यानी सिर्फ रोहित की बुक में एंट्री करेंगे और इस कंडीशन में जबकि रोहित अपना विपत्र विनोद कुमार को बेचान करता है तो वो अपनी बुक में एंट्री करेगा विनोद कुमार डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। हमने वीडियो में देखा कि जब भी इनरोजमेंट होता है तो जो इनरोजर होता है बेचान करता जो होता है वो अपनी बुक में एंट्री करता है इनरोजी पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। इनरोजी कौन है यहाँ पर? विनोद कुमार है, इसलिए हम एंट्री करेंगे विनोद कुमार डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बीइंग इनरोजमेंट ऑफ बिल टू विनोद कुमार। ए द्वारा बी पर 5000 रुपए का बिल लिखा गया जिसे बी ने स्वीकार करके ए को लौटा दिया। देय तिथि पर बिल का भुगतान हो गया। निम्न परिस्थितियों में ए की पुस्तकों में क्या प्रविष्टि की जाएगी? पहला, यदि ए ने देय तिथि तक विपत्र अपने पास रखा हो और उसका भुगतान प्राप्त किया हो। दूसरा, यदि ए इसे 4800 रुपए में बैंक से बट्टे पर भुना लेता है। तीसरा, यदि ए इसे अपने ऋण के भुगतान में सी को बेचान कर दे। चौथा, यदि ए इस बिल को संग्रहार्थ बैंक को भेज दे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो पक्षकार हैं ए और बी और ए द्वारा बी पर विपत्र लिखा गया है इसका मतलब ये होता है कि ए जो है वो लेखक है और बी जो है वो स्वीकर्ता है। यहाँ पर हमको केवल ए की पुस्तक में एंट्री करनी है और चार अलग अलग कंडीशन में एंट्री करनी है। तो फर्स्ट कंडीशन में तो जो वो बिल लिखेगा और स्वीकृत होकर प्राप्त होगा नॉर्मल वही एंट्री होगी यानी कि इसने बी पर बिल लिखा है और बी से स्वीकृत होकर ये इसको प्राप्त हो रहा है बिल। तो फर्स्ट एंट्री यहाँ पर हो जाएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीस अकाउंट एक्सेप्टेंस रिसीव 5000 से। और अब फर्स्ट कंडीशन, जबकि ए जो है वो विपत्र को अपने पास रखता है और उस विपत्र पर 5000 का भुगतान वो प्राप्त करता है तो इस कंडीशन में फर्स्ट एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट या फिर कैश अकाउंट भी डेबिट कर सकते हैं। तो बैंक और कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। जब हमने भुगतान प्राप्ति संबंधी एंट्री पढ़ी थी तो वहां हमने देखा था कि नॉर्मली जब भुगतान प्राप्त होता है तो लेखक जो होता है वो एंट्री करता है बैंक या फिर कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। सेम नॉर्मल एंट्री हमको यहाँ पर पास करनी है 5000 से। सेकंड कंडीशन में कहा जा रहा है कि अगर वो इस 5000 के बिल को 4800 पर बैंक से बट्टे पे भुना लेता तो ये सेकंड पॉइंट जो हमने देखा था सेकंड टॉपिक, जबकि विपत्र का लेखक एक विपत्र को बैंक से बट्टे पर भुनाता है तो बट्टा भी है साथ में इसलिए यहाँ पर जनरल एंट्री हो जाती है बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब एक चीज हमको यहाँ पे ध्यान रखना है कि बट्टा परसेंटेज टाइम ऐसा कुछ दिया नहीं है लेकिन एक जो चीज यहाँ पर ध्यान रखने योग्य है वो ये है कि बिल जो था वो 5000 का था 4800 में बट्टे पे भुनाया गया इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर 200 जो डिफरेंस है वो डिस्काउंट है
तो यहाँ हम बैंक में लिखेंगे 4,800, डिस्काउंट में हम लिखेंगे 200 और टोटल 5,000 से क्रेडिट करेंगे। यहाँ नरेशन लिखेंगे बिंग बिल्स रिटेन बाय ए एट डिस्काउंट। सी जो कंडीशन है वो कह रहा है यदि ए इसे अपने ऋण के भुगतान में सी को बेचैन कर दे, सी से कभी उसने माल खरीदा रहा होगा या ऋण लिया रहा होगा, अब वो इस विपत्र को जो कि उसने बी से प्राप्त किया था उस पर वो भुगतान, मतलब ए उस पर भुगतान प्राप्त ना करके उस विपत्र को सी को इंड्रोस कर दे, तो फर्स्ट जो बेचान की एंट्री होती है बेचानकर्ता की पुस्तकों में नॉर्मल वही एंट्री यहाँ पर हम पास करेंगे जो होगी सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल इंड्रोस टू सी 5,000 से हम इसकी नॉर्मल एंट्री करेंगे। और अब डी पॉइंट यानी कि यदि ए इस बिल को संग्रहार्थ बैंक को भेज दे, तो यहाँ पर हमने देखा कि जब ऐसा होता है संग्रह के लिए बैंक भेजा जाता है तो दो एंट्री हम वहां पर करते हैं, एक तो बैंक भेजने की और दूसरा जब बैंक सूचना देता है कि आपने जो बिल भेजा था वो संग्रहित हो गया, तो बैंक भेजने की जो एंट्री होती है वो हो जाएगी बिल फॉर कलेक्शन डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बिंग बिल कलेक्शन बिंग बिल सेंट फॉर कलेक्शन 5,000 से। और अब जब इसकी सूचना मिलेगी आपका बिल कलेक्ट हो गया है तो हम सेकेंड एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट बिल कलेक्टेड और 5,000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। ए द्वारा बी पर 1,000 रुपए का बिल लिखा गया जिसे बी ने स्वीकार कर ए को लौटा दिया, देय तिथि पर बिल का भुगतान हो गया, निम्न परिस्थितियों में ए के पुस्तकों में क्या प्रविष्टि की जाएगी? पहला, यदि ए ने देय तिथि तक विपत्र अपने पास रखा तथा उसका भुगतान प्राप्त किया। दूसरा, यदि ए इसे 985 रुपए में बैंक से बट्टे पर भुना ले। तीसरा, यदि ए इसे अपने ऋण के भुगतान में सी को बेचान कर दे। चौथा, यदि ए इस बिल को संग्रहार्थ बैंक को भेज दे। इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि चार तरह की कंडीशन दी गई है विपत्र के भुगतान के लिए। प्रत्येक कंडीशन में प्रविष्टि एक ही की जाएगी लेकिन भुगतान की राशियां बदल जाएंगी। सबसे पहले यहाँ पर हम एक ही पुस्तक में प्रविष्टि करेंगे जो कि बिल स्वीकृत होकर प्राप्त करने की होगी। फर्स्ट एंट्री यहाँ पर होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बिज अकाउंट, क्योंकि जब भी कोई विपत्र स्वीकृत करके कोई लेखक प्राप्त करता है तो वो अपनी पुस्तकों में एंट्री करता है प्राप्य विपत्र खाता डेबिट स्वीकर्ता के व्यक्तिगत खाते से, यानी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्सेप्टर्स पर्सनल अकाउंट। तो यहाँ हम एंट्री करेंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बिज अकाउंट, ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी। सेकेंड कंडीशन में भुगतान की अलग अलग कंडीशन बन रही है, जिसमें की फर्स्ट कंडीशन है यदि ए इस तिथि पर विपत्र को अपने पास रखता है और भुगतान प्राप्त करता है, तो ऐसी कंडीशन में क्योंकि ए भुगतान प्राप्त करेगा और किस पर प्राप्त करेगा, विपत्र पर, तो ये अपनी पुस्तक में एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, क्योंकि वो भुगतान प्राप्त कर रहा है इसलिए कैश अकाउंट को डेबिट कर रहा है, और कहां से प्राप्त कर रहा है, बिल्स रिसीवेबल से। सेकेंड कंडीशन में ए इसे 985 रुपए में बैंक से बट्टे पर भुना लेता है। अब क्योंकि ए इसको बुना ले रहा है, प्राप्त कर रहा है अमाउंट को, तो ए अपनी पुस्तक में एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और इस कंडीशन में कैश में वो एंट्री करेगा 985, और क्योंकि 1,000 का ये विपत्र था और 985 रुपए में उसको बैंक से बट्टे पर भुना ले रहा है, तो ऐसी कंडीशन में बट्टा हम यहाँ पर कैलकुलेट करें तो 15 रुपीज हमको यहाँ पर बट्टा दिखाई दे रहा है, तो बट्टे की एंट्री हम 15 रुपीज से डेबिट साइड में करेंगे और टोटल जो अमाउंट आएगी उसको हम बिल्स रिसीवेबल अकाउंट के क्रेडिट में कर देंगे। तो यहाँ हम जनरल एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट बिल डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। थर्ड कंडीशन में जबकि ए इसे अपने ऋण के भुगतान में सी को बेचान कर देता है यानी कि इंड्रोस कर देता है, तो ऐसी कंडीशन में ए जो कि लेखक है या यहाँ पर हम देखें तो बेचान करता है, वो अपनी पुस्तक में एंट्री करेगा सी डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, क्योंकि उसने सी को बेचान कर दिया, और जब हम विपत्र का बेचान करते हैं तो हम एंट्री करते हैं बेचान पात्र डेबिट प्राप्त विपत्र खाता से,
तो इसके आधार पर हमने सी को डेबिट किया और प्राप्य विपत्र खाता को क्रेडिट किया। चौथी कंडीशन में जबकि ए इस बिल को संग्रह के लिए बैंक भेज देता है, जब कोई विपत्र संग्रह के लिए बैंक भेजा जाता है तो दो पृथक पृथक उसकी एंट्रियां होती है, पहले सिर्फ संग्रह हेतु बैंक भेजने की प्रविष्टि की जाती है और जब बैंक से इस बात की सूचना प्राप्त हो जाती है कि विपत्र संग्रहार्थ बैंक जो भेजा गया था उसका संग्रह हो गया तो ही विपत्र के संग्रह की प्रविष्टि की जाती है। फिलहाल यहाँ पर ए की पुस्तक में सिर्फ संग्रहार्थ हेतु भेजा गया चेक या संग्रहार्थ है जो हेतु भेजा गया विपत्र के आधार पर ही प्रविष्टि करेंगे, जो कि होगी बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो इस तरह से हमने देखा कि इस प्रश्न में फर्स्ट एंट्री जो होगी वो बिल लिखने की स्वीकृत होकर प्राप्त होने की होगी और अलग अलग दशाओं में अलग अलग प्रविष्टियां की जाएंगी। विनिमय विपत्र की पूरी प्रक्रिया को हमने बहुत सारी पंजी प्रविष्टियों के माध्यम से समझा, आइए इन पंजी प्रविष्टियों का एक सारांश देखें और इस सारांश के आधार पर हम जब क्रियात्मक प्रश्नों को हल करेंगे तो उन्हें हल करने में हमें और अधिक सुविधा होगी। विपत्र के लेखन एवं स्वीकृति की दशा में लेखक की पुस्तकों में प्रविष्टि की जाएगी। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्सेप्टर अकाउंट बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। प्राप्य विपत्र खाता डेबिट स्वीकर्ता के व्यक्तिगत खाते से विपत्र पर स्वीकृति प्राप्त हुई। विपत्र के स्वीकृति की दशा में स्वीकर्ता की पुस्तकों में प्रविष्टि की जाएगी। ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन। लेखक का व्यक्तिगत खाता डेबिट दे विपत्र खाता से विपत्र पर स्वीकृति दी गई। विपत्र पर भुगतान की दशा में लेखक की पुस्तकों में प्रविष्टि की जाएगी। कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बीइंग पेमेंट ऑफ बिल्स रिसीवेबल। रोकड़ खाता डेबिट प्राप्य विपत्र खाता से विपत्र पर भुगतान प्राप्त हुआ। स्वीकर्ता की पुस्तकों में बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग पेमेंट ऑफ बिल मेड। दे विपत्र खाता डेबिट रोकड़ खाता से विपत्र का भुगतान किया। विनिमय विपत्र के पृष्ठांकन की दशा में बेचानकर्ता की पुस्तकों में प्रविष्टि की जाएगी। इंड्रोजी पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बीइंग इंड्रोजमेंट ऑफ बिल। बेचान पात्र का व्यक्तिगत खाता डेबिट प्राप्य विपत्र खाता से विनिमय विपत्र का बेचान करने पर। बेचान पात्र यानी बेचान ग्राही की पुस्तकों में इंड्रोजमेंट ऑफ बिल इन द बुक ऑफ मेकर। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इंड्रोजर्स पर्सनल अकाउंट बीइंग इंड्रोज बिल रिसीव। प्राप्य विपत्र खाता डेबिट बेचानकर्ता के व्यक्तिगत खाते से बेचान किया हुआ विपत्र प्राप्त हुआ। विपत्र संग्रह हेतु बैंक भेजना। विपत्र संग्रह के लिए बैंक भेजने पर बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बीइंग बिल सेंड फॉर कलेक्शन। विपत्र संग्रहार्थ खाता डेबिट प्राप्य विपत्र खाता से संग्रहार्थ बैंक को विपत्र भेजा। संग्रह हो जाने की सूचना प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल अकाउंट बीइंग इंफॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन रिसीव। बैंक खाता डेबिट विपत्र संग्रहार्थ खाता से संग्रह की सूचना प्राप्त हुई। विनिमय विपत्र संबंधी महत्वपूर्ण प्रविष्टियां। माल का उधार खरीदना एवं बेचना लेखक के पुस्तकों में परचेसर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। स्वीकर्ता के पुस्तकों में परचेस अकाउंट डेबिट टू सेलर्स अकाउंट बीइंग परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट। दूसरा, बिल की स्वीकृति पर लेखक की पुस्तकों में बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्सेप्टर्स अकाउंट बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड ऑन बिल। स्वीकर्ता की पुस्तकों में ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन। थर्ड, बिल के विभिन्न प्रयोग पर। पहला, बैंक से भुनाने पर लेखक की पुस्तक में बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बीइंग बिल डिस्काउंट विद द बैंक। इस कंडीशन में स्वीकर्ता की पुस्तकों में कोई प्रविष्टि नहीं की जाती। दूसरा, बेचान करने पर।
लेखक की पुस्तकों में एंड्रोजी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बीइंग बिल एंड्रोज। इस कंडीशन में भी स्वीकर्ता के पुस्तकों में कोई प्रविष्टि नहीं होगी। फर्स्ट पॉइंट, देय तिथि पर बिल के भुगतान पर लेखक के पुस्तकों में कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बीइंग पेमेंट रिसीव ऑन ड्यू डेट। स्वीकर्ता के पुस्तकों में बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग पेमेंट मेड ऑन ड्यू डेट। सेकंड, बिल बैंक पास होने पर लेखक के पुस्तकों में कोई प्रविष्टि नहीं की जाएगी, जबकि स्वीकर्ता के पुस्तकों में की जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग पेमेंट मेड ऑन ड्यू डेट। दूसरा, बिल बेचान ग्राही के पास होने पर लेखक के पुस्तकों में प्रविष्टि नहीं की जाएगी, जबकि स्वीकर्ता के पुस्तकों में प्रविष्टि की जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग पेमेंट मेड ऑन ड्यू डेट। अब हमने देखा यहाँ पर कि एक विपत्र लिखने से लेकर जब वो स्वीकृत होता है, लेखक के पास आता है, लेखक किस किस तरह से उसका उपयोग कर सकता है, और लास्ट में हमने देखा कि विपत्र जो है वो संग्रह हेतु बैंक आ जाता है। लेकिन इसके अलावा हमने कुछ कंडीशंस और देखी थी, जबकि ये विपत्र जो होता है वो कई बार अनादृत हो जाता है, या इसका निवर्तन करना होता है, या इसका नवीनीकरण करना होता है। तो इसके आगे के ये प्रोसेस है जिनको हम अगले अध्याय में जानेंगे।